नमस्कार, यूपी से शुभम तिवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। 22 फर्जी आधार कार्ड, 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर समेत 2 अभियुक्त गिरफ्तार। गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद में फर्जीवाड़ा करने वाले के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों एवं स्वाट सर्विलांस को दिए थे। इस निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी क्राइम के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था, जिसमें प्रभारी निरीक्षक को देहात एवं स्वाट सर्विस लांस की संयुक्त टीम में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 22 फर्जी आधार कार्ड, 2 अदद लैपटॉप व 1 अदद प्रिंटर बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। थाना कोतवाली देहात व स्वाट सर्विस लांस की संयुक्त टीम ने पतारसी कर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 22 अदद फर्जी आधार कार्ड, 2 अदद लैपटॉप व 1 अदद प्रिंटर बरामद किया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गणों ने बताया कि हम लोग अपने आर्थिक लाभ हेतु पेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम के आधार से पुराने डाटा को मिटाकर नए फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। गिरफ्तार अभियुक्त गण श्याम निषाद पुत्र पतिराम निषाद निवास दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा, सूरज मौर्य पुत्र नंदलाल मौर्य निवास कनकपुर सुदियागंज थाना नवाबगंज जनपद गोंडा। पंजीकृत अभियोग धारा 419, 420, 467, 468, 471, 474 भादवी थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा। टीम प्रभारी स्वाट सुनील कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार वर्मा, मैटी। धन्यवाद। उसी के तहत एक बड़े गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड वो बनाया करते थे और जनपद गोंडा में कई जगहों पे लगातार ये सक्रिय थे। इसमें से तो जो अभियुक्त हैं श्याम निषाद सूरज मौर्य नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये लोगों से पैसा प्राप्त करके आधार कार्ड फर्जी वो बनाते थे। लोकवाणी केंद्र बेसिकली ये चलाते थे जहाँ पे कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमाण पत्र बनाने को इनको मिला हुआ था, लेकिन उसी के आड़ में ये फर्जी आधार कार्ड बनाने लग गए। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे और इनके पास से लैपटॉप प्रिंटर 22 फर्जी जो आधार कार्ड वो बरामद किए गए हैं। ये लोगों से कुछ पैसों के लिए 500, 1000, 1500 जो भी रुपए मिल जाए वो प्राप्त करते थे और आपकी फोटो लगा के नाम नंबर चेंज करके आपको ये आधार कार्ड फर्जी वो रिसीव करा देते थे। हमारी टीम को ये सूचना मिली थी और इसको कंफर्म करने के बाद में यहाँ छापेमारी की गई और इनके पास से रंगे हाथों इनको पकड़ा गया और इतनी चीजें सामग्री बरामद हुई। और जनपद गोंडा में इस तरीके का अभियान लगातार चलते रहेगा जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट खासकर आधार कार्ड वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। क्या सर कोई संदिग्ध भी आधार कार्ड मिला है जिसे किसी इंडो गल्फ बॉर्डर है अपना ये नेपाल, ये भी कुछ मिला है संदिग्ध? कई तरीके के फर्जी आधार कार्ड ये बनाते थे, ये 22 हमें मिले हुए हैं, लेकिन इनका मोडस अपरांडी ये था कि कुछ पैसे प्राप्त करके आपकी फोटो लगा के किसी के नाम के भी आधार कार्ड आपको ये दे देते थे जिनका इनके पास डेटा होता था। सो इस डेटा का, जो भी इनके पास डेटा था उसका गलत इस्तेमाल करते हुए फोटो लगाते हुए ये आधार कार्ड बना रहे थे। इनके और भी गैंग में कौन कौन लोग हैं और इनका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है और किस किस तरीके से इस आधार कार्ड को इन्होंने पास्ट में इस्तेमाल किया है उस पर हमारी टीम काम कर रही है। लगभग कितने आधार कार्ड अभी हमने जो प्राप्त किया है वो 22 आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। पूछताछ इस टीम से जारी है और भी इनके जो गैंग के सदस्य थे उनकी भी धरपकड़ की जाएगी और इनके जो भी लैपटॉप जो हमने सीज किया है उसका भी टेक्निकल चेक करवा के ये कंफर्म किया जाएगा कि और कितने बड़े पैमाने पर इनका नेटवर्क फैला हुआ है। सर इसमें जो पुलिस टीम है उनको कुछ पुरस्कार की घोषणा की गई? जो हमारी सराहनीय करने कार्य करने वाली हमारी कोतवाली देहात SOG और SWAT की जो टीम है उनको 20,000 रुपये इनाम भी दिया जा रहा है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।